अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया उसको यूएन ने, कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी जीत, कूटनीतिक जीत है ये? देखिए, उस नेतृत्व को प्रणाम जिस नेतृत्व में भारत माता के प्रति, देश के प्रति समर्पण और दृढ़ समर्पण। सरकारें तो थी, 26/11 हुआ 2008 में, लेकिन जो राहुल बाबा बोल रहे हैं, कहां गया 56 इंची? 56 इंची का सीना नहीं, 156 इंची का सीना। घुस करके घर में भी मारा और पूरी दुनिया से उसको दरकिनार कर दिया। यही होता है कूटनीति, यही होता है स्पष्ट नीति। इसलिए कांग्रेस ने जो कुकर्म किया 10 साल में, जो आतंकवादियों को खाद और पानी देने का काम किया, नरेंद्र मोदी ने 5 साल के अंदर आज पूरे देश में कहीं भी एक आतंकवादी घटना नहीं हुआ, उसको समेट करके कश्मीर के अंदर ले आए। आज मसूद को भी पूरे दुनिया से अलग थलग कर दिया। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है, चीन भी झुका। मसूद अजहर एक हत्यारा है, आतंकवादी है, लोगों को मारने वाला है, और आज भारत की विदेश नीति और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की बहुत बड़ी सफलता है कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया, क्या फ्रांस, क्या अमेरिका, क्या रशिया, इन सबों ने इनिशिएटिव लिया कि नहीं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, वो घोषित होना चाहिए। चीन भी झुका, ये भारत की विदेश नीति की विजय है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो छवि बनी उसकी विजय है, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत ही मील का पत्थर होगा, ये मेरा लगता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी काफी लेट हो गया है। अब कांग्रेस पार्टी तो बोलेगी ही बोलेगी ना, उन्होंने कुछ किया क्या? अब उस पर छोड़ दीजिए, आज भारत के लिए विजय का दिन है, भारत के लिए मान सम्मान का दिन है, उसको समझिए। मसूद अजहर अब यूएन से घोषित एक वैश्विक आतंकवादी है, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण, हमारी कूटनीति के लिए, सरकार के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, एक अचीवमेंट है। हमको इसके साथ ही साथ ये याद रखना होगा कि मसूद अजहर क्योंकि बैन हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान का आतंकवाद से रिश्ता खत्म हो गया है। पाकिस्तान अब भी आतंकवाद को हमारे इस खिलाफ इस्तेमाल करेगा, क्योंकि पहले भी हाफिज सईद यूएन द्वारा बैन टेररिस्ट थे, हाफिज सईद खुलेआम घूम रहे हैं, और आज भी उनके आतंकवाद को पाकिस्तान स्टेट का सहारा है। इसलिए एक बात तो ये याद रखनी जरूरी है, और दूसरी ये कि हम ये ना समझे कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में इसके वजह से कोई दरार आ गई है। चीन और पाकिस्तान आज भी घनिष्ठ मित्र हैं और हमारे खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मसूद अजहर के यूएन से बैन होने के आगे भी चीजें होनी हैं, तो वो बेहतर जानते होंगे क्या होना है, पर हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं, भारत की जनता की तो ये अपेक्षा है कि मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को हम पाकिस्तान से पकड़ करके अपने न्यायालय के कटघरों में खड़ा करें, हमारी तो ये उम्मीद है। एक समय था जब हमने मसूद अजहर को अपने आप ही सौंपा पाकिस्तान को, अब समय आ गया है कि मसूद अजहर को पाकिस्तान से हम निकाल के ले जाएं। मसूद अजहर को जो इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया है, उसमें पुलवामा और जम्मू कश्मीर की का कोई जिक्र नहीं है, और ये मैं समझता हूँ कि इंडियन डिप्लोमेसी की एक तरह से विफलता है। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं, उन्होंने बोला है कि अच्छी बात है कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया गया, लेकिन ये सब इलेक्शन के टाइम में हो रहा है। आई वंडर कि क्या इसका कोई इलेक्शन के साथ जो कनेक्शन तो नहीं है, वो इस तरह की बात कह रहे हैं। देखिए, इसको उसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए। एक लंबे समय से इस बात का प्रयास हो रहा था, कोशिश हो रही थी,
और मैं समझता हूँ कि ये इंडियन डिप्लोमेसी की कूटनीति की कमी थी कि हम चाइना को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे और जिसकी वजह से मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने में इतना विलंब हुआ।